नमस्कार, जय सीएससी। मैं समर चौधरी और आज मेरे साथ सुनील सर हैं। तो सर, सबसे पहले टेक्नो 24 एस्पिरेंट्स का वेलकम टू द वीडियो सॉल्यूशन। और एक बहुत अच्छा एग्जाम अपन ने 5 नवंबर को कंडक्ट करा है 7 स्टेट में, जिसमें अपने को पेरेंट्स और बच्चों का एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत शानदार बिल्कुल सर। तो और आप क्या कहना चाहोगे सर? समर सर, सबसे मेन चीज है कि पहली बार इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट हुआ। बिल्कुल सर, 7 स्टेट में कंडक्ट हुआ। बिल्कुल सर, 1,38,000 प्लस स्टूडेंट्स इसके एस्पायरेंट्स बने। बिल्कुल सर, इसके भागीदार बने। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी पेरेंट्स का जो अपने बच्चे को एक स्वर्णिम भविष्य की ओर आगे ले जाने के लिए इस पहले कदम के भागीदार बने हैं। तो जितनी सोच बड़ी होगी उतने ही आपके बच्चे के पंख भी फैलते जाएंगे, उतना ही बड़ा उसका मुकाम भी हासिल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन सभी टेक्नो 24 एस्पायरेंट्स का, उन सभी पेरेंट्स का जिन्होंने सीएलसी के ऊपर विश्वास किया और अपने बच्चे को रजिस्टर कराया टेक्नो 24 के लिए। टेक्नो 24 के लिए रजिस्टर करवाया, प्रतिभाओं को तलाश कर तराशने के इस महाअभियान में जो क्लास 5th से लेकर क्लास 12th तक के स्टूडेंट के लिए कंडक्ट करवाया गया, उन सभी स्टूडेंट को सीएलसी की तरफ से पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशन और जल्द ही उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं इस वीडियो सॉल्यूशन में आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपका जो भी पेपर रहा उसके जो भी कंटेंट थे, जो भी सब्जेक्ट थे, उसका कंप्लीट डेप्थ वाइज वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और इस पेपर की खास बात जो बच्चों के द्वारा हमें मालूम हुई वो बात थी कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होना, एग्जाम ओरिएंटेड पेपर होना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट सर जिन्होंने पहली बार ओएमआर को अप्रोच किया था, पहली बार ओएमआर बेस्ड पेपर दिया था, तो कहीं ना कहीं एक रास्ता और माइंड का जो एक्सपेंशन है इस चीजों को लेकर कि ओएमआर बेस्ड पेपर कैसे होते हैं और कॉम्पिटेटिव अप्रोच कैसी होती है, एक कॉम्पिटिशन पर एग्जाम कैसे देते हैं, 7 स्टेट के बच्चों के साथ अपनी क्लास के एग्जाम दे रहे हैं कि 22 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो आपको पता रहेगा कि मैं 7 स्टेट में मेरी क्लास में बच्चों में कहां खड़ा हूं। तो एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा कि अच्छा प्लेटफॉर्म अपन ने दिया है बच्चे को, तो बच्चे के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। प्लस आपको पता ही है कि एग्जाम के साथ में अपन डिटेल्ड वाइज अपन मार्कशीट प्रोवाइड कराएंगे, उस बच्चे को पता लगेगा कि इस टॉपिक से मेरे सवाल आए थे, कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर है, कौन सा मेरा स्ट्रांग है। कि जब मेरी क्लास का जब मेरा एनुअल एग्जाम होगा या जो 12th का बच्चा जब मेरा नीट का एग्जाम होगा या जेईई का एग्जाम होगा, तो मुझे कौन से टॉपिक्स पे और ध्यान देना है, मेन फोकस कौन और किस टॉपिक पे करना है। और सबसे खास बात ये भी रही कि बच्चों ने जो सिलेबस पढ़ा था ना अपने स्कूल में उसी के ऊपर बेस्ड ये पेपर कंडक्ट करवाया गया। अभी जो रिमेनिंग सिलेबस है उससे कोई भी सिंगल क्वेश्चन भी नहीं होना, ये बच्चे के अंदर फिर से कॉन्फिडेंस के लेवल को अराइज करता है। बिल्कुल सर। तो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के बारे में और जो आंसर की अपलोड हुई, आज ये वीडियो सॉल्यूशन हो रहा है, एक बार मैं फिर से चाहूंगा कि इनकी डेट्स क्या क्या रहेंगी सर? अपन ने 5 नवंबर शाम 5 बजे टेक्नो 24 की आंसर की अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी थी। आज 8 नवंबर रात को 8 बजे कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम सेपरेटली अपन अपने सीएससी सीकर के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने जा रहे हैं। और उसके बाद 22 नवंबर को अपन टेक्नो 24 का 5 बजे रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं। मेगा अनाउंसमेंट हो जाएगा। क्या जीता है, क्या कैश जीता है, क्या स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है, इस सब का अनाउंसमेंट मैं कहना चाहूंगा एक कुबेर का खजाना है जो 22 तारीख को खोला जाएगा। और आपने उसमें क्या क्या भागीदारी निभाई है वो सब कुछ। बिल्कुल सर। So all the best for your result. Thank you. Jai CLC. Hello student, myself Kuldeep Rathod, team mathematics CLC seeker. We are going to discuss mathematics section of CLC Techno 2024 for class 6th. Now question number 1. 1 crore equal to, so 1 crore equal to 10 million. So our answer is 10 million. Answer is 10 million. Now question number 2, which of the following number is in Roman numeral is incorrect? So LL cannot be written. LL is 50 plus 50, that is 100. For 100 it is written as C. So first and second both are incorrect. Now question number 3, the tiffin service charged rupees 20 for lunch and an extra rupees 5 for milk or tea for per day. So charge for per day, is 20 plus 5, that is 25 rupees. How much money will be charged in a week? For 1 week equal to 25 for per day, and for 7 days it is 25 into 7, that is 175 rupees. So answer is option number
third. Now find a wall number n such that n equal to 2n. If n equal to 2n, that 2n minus n equal to 0, that is n equal to 0. So answer is n equal to 0. Now question number 5, the product of a wall number and its successor. Wall number and its successor. If wall number is a number, let's say odd. Odd means, let's say 7. So its successor is 7 plus 1, that is 8. So 7 into 8. And now, let's say number, even wall number is 2. So 2 plus 1. 2 plus 1 is the successor, that is 3. So 2 into 3. It is, we can say that if a number is odd, then its successor is even. So finally, product of this number is even. And if number is even, so its successor is odd, so product of these two is also even. So every even number is divided by 2. So every, so product is always an even number. Option 1 is correct. Answer 1. Now if question number 6, if A is divisible by 9, then it is divisible by, no, it cannot be sure that it is divisible by 6, like 27, 27 is divisible by 9, but 9, but it is not divisible by 6, first option is correct. If number is divisible by 9, then this number is also divisible by 100% by 3, so option number 2 is the correct answer. Which of the following number is a perfect number? Perfect number is the number whose sum of whose factors is equals to product of factor and that is equals to that number. So here 6 is the number whose factors are 1, 2 and 3. So sum of these three factors, 1 plus 2 plus 3 is 6 and product of these two three factor is equals to 6. So this is the perfect number. Answer. Question number 8. What is the 28th even number in the sequence after? So after every 2 digit, 240, it is the even number. 242, it is the even number. So for 2 number, we get an even number. For 2 number, we get an even number. So for 28th, 2, 3 and so on. 28. There are 28 pairs. So numbers are total numbers till here. 28 into 2, that is 56. So after 2, 38, 56th number is the our answer. 56 means 4, 8, 9, and 294. That is option number 4. So 28th number, that is after 238, which is even. So it is 294. Now question number 9. If A, B and C are integers, then which of the following is true? A plus B into C not equal to A. This is the distributive property. So it may be, it is not equal. So it is wrong. A minus B equal to B minus A. So for integers it is wrong. Like 2 minus 3 and 3 minus 2 minus 3 is minus 1, but 3 minus 2 is 1. It is not equal. It is saying that it is equal, so it is also wrong statement. A plus B equal to B plus A. It is true for every integer. Now, question number 10. An integer when divided by 43 gives quotient 35 and leaves remainder 2. So, by Euclid division lemma, we can say that dividend equal to divisor into quotient plus remainder. Here, divisor is 43, quotient is 35 and remainder is 2. So just multiply these two, 35, 05 plus 2 means 1507. So our option number 1507, option number 4th is the correct answer. Now question number 11. Which of the following statement is correct? The reciprocal of a proper fraction is an improper fraction. No, it is wrong, because proper fraction has numerator is less than denominator. But in
by reciprocal, let's say 2 by 3 is a proper fraction. So reciprocal of this fraction is 3 by 2. It is not a proper fraction. So statement 1 is incorrect. Now, the product of two improper fraction is less than both the fraction. No, it is also wrong, because improper fraction is less, let's say 3 by 2 and 5 by 4. It is 15 by 8. 15 by 8. It is greater than these two numbers. So he is saying that less than both the fraction. 15 by 8 is greater than 5 by 4 and 3 by 2. So this statement is also wrong. To multiply a decimal number by 1000, we move the decimal in the number to the right by 3 places. It is the correct, because if we multiplied 0.238 by 1000, 384 by 1000. So we have to move 238.4. So 1, 2, 3. Here it is the decimal point. So this statement is true. Product of two fraction equal to product of their denominator. No, it is product of their numerator upon product of their denominator. So it is also the incorrect. So third option is the correct statement. Now question number 12. The product of two fraction numbers is minus 33 upon 78. If one of the number is 15 by 22, then find the other. Let's say another fraction is x. X into 15 by 22 is equals to minus 33 by 78. Multiply by 22 divided by 15. X equal to minus 33 by 78, 22 upon 15. So just divide it by 2, 11 by 2, 3 and 9, 39 or by 3, it is 11 and 13. So it will become minus 11 into 11 upon 13 into 15. That is 121 upon 15, 345, 4, 195. So our answer is 121 upon 195 with a negative sign. Option number 2. Now 13 number. Arrange the following fraction is descending order. Descending order means greatest first and then to smallest one. These two numbers are positive, because minus minus will become plus, and these two are lowest. So compare these two and these two. After that we can set to this number 17 upon 30 and 3 by 5. Just multiply it by 3, sorry 6. 6 into 3, 17 by 30 and 18 by 30. So this is the greater number. So minus 3 by minus 5 is greater than 17 by 30. These are positive, so these are greater than these two. 4 by 15, 7 by 15. So minus 4 by 15 and minus 7 by 15. Minus 7 is less than minus 4. So number is minus 7 is less than minus 4. So minus 7 by 15 is less than minus 4 by 15. So minus 4 by 15 and greater than minus 7 by 15. So smallest is minus 7 by 15, minus 4 by 15, 7 by 30, and minus second option is the correct answer. Now 14 number question. Divide, we have to simply use the Bodmas rule. Now 9 by 4 into 3 by 5 divide means multiply 5 by 20 plus 7 by 8 divide by 5 by 4 means multiplied by 4 by 5 plus 3 by 5. Just divide by 2, 5, 5 cancel. 3, 4. So here 9 upon 4 into 4 plus 7 upon 2 into 5 and plus 3 upon 5. Here LCM is the 16 into 5. 4, 4, 16 into 5. This will become 45 and here 56 and here 5, 16 into 3, 48. After adding these three numbers, 48, 6, 49 and 13 or 14, 1, 4, 9 upon 16 into 5, that is 80. So here 1, it will give 69, 69 upon 80. Now, remainder when divided
by 80, 149 gives 69 as remainder, quotient as 1. So, option number first is the correct answer. Now, 3 by 10 is equals to 0.3. Obviously, what? Among these, the greatest number 2. Before decimal, there is 2 in each number. So, it is not the deciding factor. Now, proceed after the decimal. 3, 4, 3, 4. So, 3 are cancelled. Now, move on second decimal. Here it is 0, here it is 3. So, 2.43 is the greatest number. 2.43 is the answer. Now, 2994 divided by 14.5. So, 14.5, 2994 divided by 14.5 is equals to 172 into x. Now, we have to check for this value. 29.94 upon me 1.45. Let's convert this number into the form of this number. 2994. So, divide by 100. 1 by 100. 2994. And 14.5. Here it is 1.45. 14.5 upon 10. So, 10. It is equals to 1 by 10 into 2994 upon 14.5. 2994 upon 14.5 is equals to 172 into x. Now divide it by 10. So it will become 17.2 into x. That is option number 3rd. 17. A part of circle is called. Part of circle is called an arc. 3 points are on a straight line, then they are called collinear. Obviously. Now, a polygon has 7 sided, it is called pentagon, no, hexagon, no, octagon, heptagon. Okay, 4 question, option number 4. In the given circle, which statement is incorrect? AB is diameter, obviously, O is the center of the point which lies on the AB chord, then AB is diameter. This statement is correct. LQN. LQN, it is minor segment, obviously, but this is the minor segment. Now, point M is the center. No, if O is center, then M cannot be the center. So, this statement is incorrect. ADB, it is the semicircle, obviously, but it is semicircle. So, fourth is also correct. So, third option is incorrect. Our answer is third option. Now, select the incorrect figure. If it is a cube, if we cut this cube to make a 2D figure, so simply it is look like this. This is correct. This is the cylindrical figure. If we cut this cylindrical figure, it will give this type of figure. But cone will give a segment. After cutting cone, we get a segment, not this type of sphere. And after pyramid, we get a this type of figure, because this face is this way, this all four faces are triangular faces and base is square or rectangle something. So, third option is the incorrect match. Option number third is the correct answer. Now, base of a pyramid, pyramid can have any base. Circle, it is possible, square, rectangle, any of three can be possible. So, all of these is the answer. If sum of two angles is 90 degree, then these angles are called obviously complementary. Now, in a triangle ABC, angle A is equal to 63, angle B equal to 77, then which of the following? We know that sum of all angles in a triangle, sum of interior angles in a triangle is equal to 180. First angle is 63, second angle is 77. And third angle is angle C. So, angle C is 63 plus 77, that is 140. So, 180 minus 140, which gives 40 degrees. So, angle C is equals to 40 degree. So, option number 4th is correct. Thank you very much. Good evening, friends. I am Nilesh Planya, MAT faculty, CLC seeker. Now, we are discussing our paper solution of the CLC Techno 24, question number 26.
If the room is called bed, bed is called window, window is called flower, and the flower is called cooler, on what would a man sleep? We know that the man sleep on the bed and bed is called the window. Next. If the 7 is accorded as sustep and the 8 is coded in this way, then what will be the code of the 9? Then we know that the logic equals common factor. E is repeated means this one and E is here and there. Then N. N means from the 7. N is 6. I means from 8 is 4. Again N, 6. And E is the repeated chord is 3. Then 6, 4, 3, 1. Okay. Next. In the certain chord, Casio is written as this in C, 3, A, 1, S, 19, I, 9 and O, 15. In the such way, C is 3, 9, 2, 0, 9, 2, 6, 5, 1, 4. And in this option 3, 9, 2, 0, 9, 2, 6, 5, and 4. Okay, option number 4 is a right answer. Next, which of the following interchange of the signs would make the equations be correct? 2 into this one. And first option says that multiply and the divide interchange means 2 divided by 3 plus 6 minus 12. Into 4 equals to 3 is not a possible because this one is the 2 by 3 plus 6. The simplification comes as a fraction. Then first is not a right. Second, 2 into 3 minus 6 plus 12 divided by 4 equals to 3 because plus and minus are interchange. Multiply, minus, plus, divide is that this one is the 3. 6 minus 6 plus 3 equals to 3. Means 6, 6, 3 equals to 3. Option number 2 is a right answer. Next, in the certain code, plus represent to multiply, plus represent to the multiply, minus represent to plus, into represents to divide, and divide represents to minus. And what is the answer to the following questions? 75. Minus means plus 5. Plus means multiply by 25. And divide means minus 125 equals to. Then we know that 25 5s are 125 minus 125, they are cancelled, remainder 75. Then our answer is a 75. Next, find the missing number. This is 7 square, 8 square, 9 square, 10 square, 11 square, 9 square, 81. Option number 4 is the right answer. Next one, find the missing term. 2 2s are 4 plus 1, 5, 5 2s are 10 plus 2. Means 2 2s are 4 plus 1 equals to 5. 5 2s are 10 plus 2 equals to 12. Next 12 into 2 plus 3 equals to 27. It means 27 into 2. 27 into 2 4 plus 4 equals to 58. Option number 4 is a right answer. A is the mother of B. A is the mother of B and C is the son of A. And C is the son of A. D is the brother of E. D is the brother of E. E is the daughter of B. 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 And we know that D is the brother of E. Who is the grandmother of D? Who is the grandmother of D? Means A. Option number first is the right answer. A woman introduced to a man. A woman introduced to a man as the son of the brother of her mother. Her mother's brother's son. Is that clear? How is the man related to that woman? Man is the cousin of that woman. Man is the cousin of that woman. We know that a woman introduced to a man. A woman introduced to a man as the son of the brother of her mother. A Mary maa ke bhai ke beta hai jo bhi hai. Theek hai? How is the man related to that woman? Is cousin. Okay. Next. The square is transparent with the pattern is a given. Figure out from the among us the four alternatives as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at the middle line as the so. Then we know that first is here, then this one. And next from this one to this one, then goes this one to this one and this one to this one. Okay. And then such type of that. Option number 2 is the right answer. In same pattern. This one, this one, and then delete, delete, delete. Next, fourth option is the right answer. Square's parent, matlab ye wala pattern banega, or circle, hamare paas 1, 2, 3, 4 banenge, to 4 circles hain, ye wala figure
बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर. विच ऑफ द फिगर इज द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द देन जून दिस वन. एंड ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर. ट्राइंगल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 to the 16 in this, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 12, then I think 8 or 2, 28. Next one, 1 and 2, 2 from here and 1 pattern, 2 pattern, 3 pattern, 4, 4 to the 8, then 36 is our answer. Which of the following figure can be recreated by the folding in the given figure? Then we know that the open dice is, in the open dice, the alternate surfaces are always opposite to each other. Is, we know that. Then E opposite to B and F opposite to C and A and D are the rest surfaces. And in, we know that in any dice, the opposite surfaces never came together and never hidden together. And the, by that, E and E, B is not here, D and A. Option delete. Next, E, B is not here, F and D. This one is right. F and E, F and C, E, F, E, E and B. Both are opposite surfaces, they never come together. And next, in this pattern, B is not here, is here. Then is also delete. Then our answer is a second answer. Okay. Dear students, myself Narendra Kumar, team physics CLC seeker. Today we are going to discuss physics section of class 6 of techno exam. So question 41, length covered in one step by a person is called. So very common term, it is known as pace. Let's move to the next question. An oscillatory motion is always. An oscillatory motion will be always a periodic motion. Just like the pendulum of a wall clock. So it will be always periodic. Question 40. A boy walks to his school which is at a distance of 3 km from home in 30 minutes. On reaching, he finds that school closed, come back to home. Means he will cover 3 km distance when he goes to school and 3 km when he come back to the school. So average speed will be equal to total distance travelled upon total time taken. So distance travelled when he goes to school will be 3 km and when he will return back to home will be again 3. Total time, initially he will take 30 minutes to reach the school. 30 minutes means half an hour, means 0.5 hour plus 1 hour he will take when return back to the home. So it will be 6 upon 1.5. So it will be 4 km per hour. Means we have to find total distance by total time. So correct option will be 3. Let's move to the next question. 44. Object which does not have light of its own. It's a shining mirror. My mirror has no light, light bulb, candle, star, all rest of three options, all of they have their own light. So shining mirror, it will just reflect the light which is incident over it. So it does not have its own light. Let's move to the next question. 45. If angle of incidence is 40 degree. It will be normal, it will be reflected ray, angle of incidence 40 degree. But according to the law of reflection of light, angle of incidence and angle of reflection both are equal, then it will also be equal to 40 degree. Question asked is angle between incident ray and reflected ray. Angle between incident ray and reflected ray, this will be 40 plus 40. Means 80 degree. So correct option will be 3. Let's move to the next question. Umbra and penumbra are clearly visible when. First, umbra means the darker central region of the shadow, and penumbra means the light shadow region surrounding the umbra.
एंड दीज आर क्लियरली विजिबल व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज स्मॉल एंड द ऑब्स्ट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट इज बिग. सो सच टाइप ऑफ ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर टू. Means source of light is small and obstructing object will be comparatively larger. Let's move to the next question. 47. The force that opposes the relative motion of two surfaces in contact. So it will be a frictional force. No need to think too much. It will always oppose the motion between the bodies which are in contact. Let's move to the next question. 48. Muscular force, it will always a contact force means a person apply force by muscles to push or pull an object or maybe to lift an object. So correct option will be contact force. Now next question, question number 49. Hottest planet in solar system. So hottest planet on solar system is Venus, because on the surface of Venus atmosphere exists, and in atmosphere specifically CO2 gas is in large amount and it is a greenhouse gas. So it will retain the heat of sunlight when it will travel through it. So hottest planet in solar system is Venus, because on the surface of Venus there is atmosphere, and in atmosphere CO2 is in large amount, that is a greenhouse gas. So correct option will be 2. Next question 50. What type of galaxy is the Milky Way? So it will be a spiral. So correct option will be 2. I hope students, we have completed the physics section, and I hope all of you have done very well. Thank you. Hello student, you are welcome in the solution of Techno 24. I am Vikash Agarwal, and we now discuss about chemistry portion, question number 51. फिल्ट्रेशन इज द मेथड टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट ऑफ ए. ये बोला है बेटा फिल्ट्रेशन जो मेथड है उसको हम किस को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं. तो सीधी सी बात है बेटा, फिल्ट्रेशन जनरली काम आता है एक लिक्विड को उसके इनसॉल्युबल सब्सटेंस से सेपरेट करने के लिए. सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट, आयोडीन कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम टिंक्चर ऑफ आयोडीन. टिंक्चर ऑफ आयोडीन का मतलब होता है बेटा द सॉल्यूशन, द 95% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इनटू अल्कोहल. 95% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन into alcohol, इसको बोलते हैं हम लोग tincture iodine. And we know that iodine और alcohol दोनों के boiling point में बहुत minor difference होता है, और minor difference होने की वजह से, boiling point में difference कम होने की वजह से जो technique काम आती है इनको separation के लिए, वो आती है बेटा distillation. The process followed to separate grains from. Simple question, grains को stalk से separate करना है तो threshing technique use करते हैं. Process of conversion of water vapor into liquid. Water vapor को liquid में convert करने के लिए use technique आती है condensation. Substance that allow light to pass through them partially are called. जो ऐसे substance जो light को partially allow करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन translucent. देखो transparent तो पूरी तरह से pass allow करेगी, opaque बिल्कुल भी नहीं करेगा. Translucent उसको बोलते हैं जो थोड़ा बहुत partially allow करे. Pick on the material from the following which completely soluble in water. देखो chalk powder क्या completely soluble है? ना. Tea leaves? ना. Sawdust? ना. Answer क्या है बेटा अपना? Glucose. Glucose is water में completely soluble है. The amount of space each thing takes up is called its. यानी कि बेटा जो space में अपना thing जो अपना कुछ amount cover करे उसको अपन बोलते क्या है? Sedimentation can separate only insoluble particles from A. ये बोला sedimentation कब काम आता है? तो basically हम बोलते हैं insoluble particles जो कि liquid में present है उनको separate out करने के लिए जो technique काम आती है उसको बोलते हैं sedimentation. Read statements, choose the correct option. फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल. सही है क्या? बिल्कुल सही है कि फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल हो सकता है. अच्छा, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल, ये कोई जरूरी नहीं है कि केमिकल चेंज सारे के सारे इरिवर्सिबल हो. कुछ एग्जांपल है केमिकल चेंज के जो रिवर्सिबल कैटेगरी के अंदर भी आते हैं. तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह करेक्ट नहीं है. करेक्ट ऑप्शन ओनली ऑन वन है, तो इसको बोलेंगे ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू. Which one of the following can be compressed easily? किसको easily हम compress कर सकते हैं? तो easily compress करने के लिए जो technique काम आते हैं, I mean, जो जिसको हम air को easily compress कर सकते हैं. देखो wooden block को easily compress नहीं होगा, milk का glass easily compress नहीं होगा, लेकिन balloon जो कि air से भरा हुआ है उसको तो हम easily compress कर ही सकते हैं. तो answer आएगा बेटा only third. तो ये हमारा simple सा solution था class 6 का, जो Techno 24 का English medium. Thank you. Hello students, I am Ritika.
आज हम सीएलसी टेक्नो एग्जाम का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो क्लास सिक्स का है, इंग्लिश मीडियम के लिए, सब्जेक्ट हमारा बायो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज प्रेजेंट इन स्प्राउट्स। हमने स्प्राउट्स के अंदर बताना है कि कौन से विटामिन के लिए प्रेजेंस हो जाएगा। हमने चार ऑप्शंस में से हमारा आंसर निकालना है, तो वो फॉर्म कौन सी हो जाएगी यहाँ पे जो यूज किया जाएगी, वो फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, विटामिन सी हमारा ऑप्शन आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कंज्यूम्स ओनली लिक्विड फूड। कौन सा ऐसा यहाँ पे एनिमल होगा जो सिर्फ लिक्विड फूड को ही कंज्यूम करने का काम करेगा। लिजार्ड नहीं हो सकता ये, स्क्वेल के लिए नहीं होगा, नेक्स्ट वल्चर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा यहाँ पे, बटरफ्लाई, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर है यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। आपको यहाँ पे क्या बताना है, इनकरेक्ट पेयर बताना है आपको यहाँ पे, गलत बताना है। फाइबर प्रॉपर बाउल मूवमेंट, ये भी सही है। विटामिन्स प्रिवेंट डिजीज, प्रोटीन्स प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, हमें इनकरेक्ट पेयर बताना था। हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर आ रहा है यहाँ से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मरास्मस इज कॉज्ड ड्यू टू डाइट इनसफिशिएंट। आपने इनसफिशिएंट डाइट के साथ बताना है कि मरास्मस डिजीज में कैसे हो जाएगा, किसकी इनसफिशिएंट के अमाउंट की वजह से होता है। डायरेक्टली है एक डिजीज हम मरास्मस और कवाश्योर कर करते हैं डिजीज के लिए, वो किसकी वजह से हो जाएंगे यहाँ पे इनसफिशिएंट, कौन होगा, प्रोटीन्स की अमाउंट इनसफिशिएंट होती है। तो आंसर आएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। आपने करेक्ट मैच बताना है यहाँ पे इन ऑप्शंस में से, आउट ऑफ द फॉलोइंग। न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे आपको, सोर्स दिया है उसमें से, और डेफिशिएंसी डिजीज दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए विटामिन सी की फॉर्म दी गई है यहाँ पे। विटामिन सी प्रेजेंट किसमें है, सी फूड में प्रेजेंट होता है, और उसके बाद वहां पे डिजीज कौन सी हो जाएगी, बेरी बेरी डिजीज के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली अगर हम यूज करके चल रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, नहीं आ सकता यहाँ पे। देन द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन कैल्शियम। कैल्शियम के सोर्स क्या है यहाँ पे, मिल्क प्रेजेंट है सोर्स में, और उससे आगे डिजीज के लिए बताया वीक बोन। ये तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे कैल्शियम अगर अमाउंट कम हो जाती है तो डिजीज क्या होने स्टार्ट हो जाती है वहां पे, डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम आपके पास आ जाता है, बोन्स है वो वीक आने स्टार्ट हो जाती है। तो आपका आंसर क्या निकल गया यहाँ से, सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज इटन बाय अस एज अ मॉडिफाइड रूट। आपने मॉडिफिकेशन प्लांट्स की हम करते हैं सभी पार्ट्स के लिए, हमने यहाँ बताने हैं मॉडिफाइड रूट के लिए क्या आपका आंसर आएगा। एक तो यहाँ पे कौन सा हो सकता है, आपने फर्स्ट हो गया कसावा के लिए आ जाएगा, सेकेंड है स्वीट पोटैटो, इसमें भी मॉडिफाइड रूट प्रेजेंट होती है, देन थर्ड के लिए पोटैटो, ये केस नहीं आ सकता। हमारा आंसर क्या होगा, बोथ वन एंड टू। तो आंसर हमारा क्या आएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर आपका निकल के आएगा, वो आएगा और फोर्थ ऑप्शन, बोथ वन एंड टू आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, लेमिना पार्ट के लिए बोल दिया जाएगा उसको, आंसर नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्लावर्स। आपको सेट बताने हैं जो ऑप्शन में दिए हैं, कंटेन इनकम्प्लीट फ्लावर्स, आपको इनकम्प्लीट फ्लावर जिसमें से बताना है। तो इनकम्प्लीट फ्लावर कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन है ये आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली है क्योंकि इसमें कुछ वैसे नहीं है, आपने ऑप्शंस में से निकालना था, तो आंसर नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एनिमल वुड यू फाइंड अ फ्रेश वॉटर इकोसिस्टम। एक ऐसा एनिमल बताना है जो फ्रेश वॉटर इकोसिस्टम में प्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पे। वेल, शार्क, ये दोनों तो मैराइन वाटर के साथ है, ईगल के लिए अगर टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट के साथ फ्रेश वाटर का यहाँ पे एग्जांपल बताएंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, फ्रॉग है वो एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन इफ अ पोर्शन ऑफ फूड चेन इज ब्रोकन। अगर आप एक फूड चेन का लास्ट पार्ट है वो कोई भी पोर्शन है उसे ब्रोकन कर दोगे वहां से, तो वो क्या कर देगा। अगर एक फूड चेन को बता के चलते हैं, स्टार्टिंग में हम यहाँ पे कर देंगे ए ऑर्गेनिज्म कोई भी मान लिया हमने, इसे ईटअप करने का काम बी ऑर्गेनिज्म करेगा,
नेक्स्ट इसे हीट अप करने का काम कर देगा। यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी अगर हम बता के चल रहे हैं, इस तरीके से सीक्वेंस चल रही है, एक हीट अप करने का काम कर रहा है। मान लिया किसी रीजन की वजह से बी ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे ब्रोकन डाउन एक फूड चेन को कर रहा है, तब क्या होगा, पहले वाले ऑर्गेनिज्म पे भी इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, बाद वाले पे भी इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन में से हमने निकालना है ओनली कंज्यूमर विल बी वुड बी अफेक्टेड, ऐसा तो नहीं है सिर्फ कंज्यूमर पे अफेक्ट आएगा, ऑल ऑर्गेनिजम्स इन द फूड चेन अफेक्टेड, पहले वाले पे भी अफेक्ट आ रहा है, नेक्स्ट वाले पे भी अफेक्ट आ रहा है, अगर इस पे अफेक्ट आया तो नेक्स्ट पे भी आएगा, तो ये क्या कर देगा, सभी ऑर्गेनिजम्स पे अफेक्ट करने का काम करता है। आंसर तो वैसे हमारा यहाँ से यही आ गया सेकेंड ऑप्शन। फिर भी देखिए थर्ड में, द डीकम्पोजर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर अफेक्टेड, अकेला डीकम्पोजर तो ब्रेक डाउन करने वाले होते हैं, ये तो नहीं बोल सकते सिर्फ ये होता है, तो ये भी नहीं हो सकता ना, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि पहले पे भी चेंज आ रहा है, चेंज तो बाद में भी आ रहा है, तो ये भी आंसर के लिए नो। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या निकल के आ गया, सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ से आंसर निकल के आ गया, ये हमारा सॉल्यूशन था, आप देखिएगा इसको। थैंक यू, जय सीएलसी। नमस्कार, मैं गोविंद गजानी सीएलसी सीकर से, सीएलसी द्वारा आयोजित टेक्नो 2024 जिसका एग्जाम 5 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ है, ये एग्जाम राजस्थान सहित 7 राज्यों के अंदर और पूरे भारतवर्ष में 300 से अधिक सेंटर पे आयोजित हुआ है, जिसमें काफ़ी बच्चों ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ में एग्ज़ाम दिया था। ये एग्ज़ाम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं विज्ञान वर्ग के बच्चों ने इस पेपर में अपनी प्रतियोगिता दी थी, उन काफ़ी उमंग और उल्लास के साथ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और अपनी प्रतिभा को तराशने का एक अवसर बच्चों को मिला था, जिसमें बच्चों ने काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। उसमें उसी क्रम में कक्षा छः का टेक्नो का जो एग्ज़ाम था उसका हम वीडियो सॉल्यूशंस देखते हैं कि उसमें क्या आंसर आए थे, किस तरह किसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर है, हमें पता है 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 लाख होता है, तो 10 लाख मिलके क्या होगा, 1 करोड़ बनाएगा, तो 1 मिलियन बराबर क्या हो गया, 10 करोड़, तो ऑप्शन नंबर 4th विल बी करेक्ट। आपको बोला है रोमन संख्या में निम्नलिखित में कौन सी संख्या नहीं लिखी जा सकती, पहले देखते हैं कौन सी संख्या क्या है, LX, L का मतलब 50, 50 और 10, 60। हमें पता है कि संख्या की जब राइट के अंदर कोई संख्या लिखी जाएगी तो क्या होगी, आपकी ऐड होगी, और लेफ्ट के अंदर संख्या लिखी जाएगी वो क्या होगी, आपके माइनस होगी। लेफ्ट के का एक ही रूल है, लेफ्ट के अंदर जो संख्या लिखी जाती है वो सिंगल संख्या लिखी जा सकती है, कोई भी चीज लिखे हम एक बार लिख सकते हैं, लेफ्ट में ज्यादा संख्या नहीं लिखी जा सकती है। जैसे 4 लिखा जाता है तो V लिख दिया, V से पहले हमने I लिख दिया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 4 कंसिडर करते हैं। 9 लिखते हैं तो 9 के लिए एक्स लिख दिया, उससे पहले आई लिख दिया, आई एक्स लिख दिया, दैट इज उसे हम 9 बोलते हैं। ऐसे नहीं होता, आई आई एक्स को हम क्या बोलते हैं, 8 बोलते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में एल, एल मतलब 50, हम राइट एंड हम बात करते हैं लेफ्ट के बाद में राइट की बात करते हैं, तो राइट में हम 3 संख्याएं एक जैसे लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें भी कभी भी आपका 50 का जो ऑर्डर का होता है, वी कभी भी 3 बार नहीं लिखा जा सकता, एल कभी भी 3 बार नहीं लिखा जा, एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। लेकिन जो आपके एक के ऑर्डर की होती है, जैसे 1 हो गया 10 हो गया 100 हो गया, उसको हम 3 बार लिखा जा सकता है। एल, एल मतलब 50 और 3 80 को लिखा जा सकता है, डेफिनेटली लिखा जा सकता है, पढ़ रहे इसको। एक्स, एक्स के बाद मैंने बोला आपको एल एल 2 बार नहीं आ सकता, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ये नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। और L फिर L 2 बार आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1st और 2nd दोनों क्या होंगे, सही होंगे, इन दोनों को हम नहीं लिख सकते। फिर आपको बोला एक टिफिन व्यवस्था में 20 रुपए, भोजन के लिए कितने 20 रुपए, दूध और चाय के लिए 5 रुपए, 20 और 5 कितने हो गए 25 रुपए। उसके बाद में बोलना चाह रहा है कि एक हफ्ते में कितना लगेगा, तो 25 × 7 करेंगे कितना हो जाएगा 175, एक हफ्ते का खर्चा होगा 175 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक पूर्ण संख्या n ज्ञात करो, n × 2n मतलब n और 2n दोनों का मान बराबर होना चाहिए, कहां पे होगा, 0 पे। फिर बात करेंगे एक पूर्ण गामी, एक पूर्ण 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 संख्या मतलब 0 से लेके अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है, और उसके अग्रगामी उससे आगे वाली नेक्स्ट संख्या उनका गुणनफल हमेशा हमेशा हमें पता है, अगर मान लो 4 है उसके आगे क्या आएगा 5, 4 × 5 कितना होता है 20, अगर आपके 7 है 7 × 8 कितना होगा आपके 7 × 8 56, ठीक है, तो ये दोनों की दोनों संख्याएं। अगर मान लो हम बात करते हैं 9, 9 के आगे क्या आता है 10, 9 × 10 कितना होता है 90,
ठीक है। तो अब ये दोनों तीनों सारी संख्या चार से भाज्य है क्या? ये नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। सारी की सारी संख्या विषम संख्या है क्या? कोई भी विषम नहीं मिली। तीन से भाज्य है क्या? ये नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो सारी की सारी सम संख्या है क्या? निश्चित रूप से सारी सम संख्या है। ए नौ से ए में नौ का अगर भाग जाता है तो ए में नौ से छोटा नौ का जो भाज्य है उस सारों का भाग जाएगा, तो किसका जाएगा? तीन का जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तम संख्या? उत्तम संख्या क्या होती है? जिनके जो गुणन जो आपके जिससे जो छोटे गुणज है जिनमें भाग जाता है इस संख्या का, तो उन सारों का योग उस संख्या के बराबर और गुणनफल भी उसके बराबर आना चाहिए, तो क्या हो गया? छह हो गई। 338 के अनुक्रम में 28वीं आपकी सम संख्या, बाद में इसके 28 इंटू दो कितना हो गया? 56। तो 238 में 56 को जोड़ लिया, ठीक है। 238 के बाद अनुक्रम में 28वीं संख्या, तो 28 इंटू दो कितना हो गया? 56। तो 238 में 56 को जोड़ लिया, कितना हो गया? 4, 9 और 2, 294। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। ए प्लस बी अगर आपके पूर्णांक है तो कौन सा कथन सत्य है? ये आपको नॉट इक्वल देके ही गलत हो गया, तो ये नहीं होगा। ए माइनस बी, बी माइनस ए बराबर नहीं होता। ए प्लस बी, बी प्लस ए बराबर होता है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। किसी संख्या में 43 का भाग देने पर 35 आपको क्या मिलेगा? भागफल और दो शेषफल मिलेगा। मतलब 43 इंटू 35, 43 को 35 से गुणा करेंगे और दो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5, 10, 150 प्लस 2 कितना? 1507। 1507 ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अनुचित बिन का उचित बिन का व्युत्क्रम भी उचित होता है। उचित बिन का व्युत्क्रम तो क्या होता है? अनुचित बिन होता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है। दो अनुचित बिन का गुणनफल दोनों बिन से कम होता है। अनुचित बिन है मतलब हर अंश ज्यादा है और हर रकम है, तो उनका जो गुणन करेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा ही होगा, तो सेकंड भी गलत है। दशमलव संख्या को 11,000 से गुणा करने पर दशमलव के तीन स्थान दाई चलना पड़ेगा, डेफिनेटली ये बात सही है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? -33/78। पहली संख्या कितनी है? 13/22। दूसरी क्या होगी? तो 15/22 है। 15/22 को हम क्या करेंगे? 15/22 को हम गुणा करेंगे, 15/22 उसको गुणा किया एक संख्या से x से, कितना आ जाएगा? -33/78, ठीक है। 15/22 को हम x से गुणा करने पे -33/78 आएगा, तो x बराबर -33/78 इंटू 22/15। 3 के पाड़े से 11 बार, 3 के पाड़े से 5 बार, 2 के पाड़े से 11 बार, 2 के पाड़े से 29 बार गुणा किया, 29 नहीं 39 टाइम, ठीक है, गुणा किया माइनस का 121/195। तो ये कौन सा ऑप्शन सामने दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड। ये कह रहा है इनमें कौन सी संख्या अवरोही क्रम में, मतलब पहले बड़ी संख्या फिर छोटी 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 ऐसा चलेगा, ठीक है। तो हम इनमें अगर बात करते हैं तो सबसे देखो ये दोनों आपकी प्लस की संख्या है, ये दोनों माइनस की संख्या है, हमें पता है ये दोनों बड़ी होगी, तो बड़ी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। देखो ये फर्स्ट ये कह रहा है ये संख्या बड़ी है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। ये बोल रहा है ये संख्या क्या है? सबसे बड़ी है, उसके बाद में ये आ रही है, उसके बाद में ये आ रही है, उसके बाद में ये आ रही है। हम बात कर रहे हैं 3/5 और 17/30, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 17/30 और 3/5, तिरछी गुणा कर लेते हैं, ये क्या हो गया? 85 और ये कितना हो गया आपका? 90। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली, मतलब 3/5 बड़ा होगा, तो 3/5 को बड़ा कहां पे दिखा रहा है? यहां पे दिखा रहा है, यहां पे छोटा दिखा रहा है, तो ये गलत है, यहां पे छोटा दिखा रहा है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया 9/4 इंटू 3/5 भाग 12/5 प्लस 7/8 भाग 5/4 प्लस 3/5, मतलब पहले बोल रहे 9/4 है, ठीक है, उसको गुणा करना है किससे? 3/5 से, भाग दे दिया मतलब बाकी बाद वाली संख्या उसको क्या करो? उल्टा कर दो, गुणा में ले आओ, इंटू 5/12 प्लस 7/8, 7/8 हो गया, भाग मतलब गुणा 4/5 प्लस 3/5। अब यहां पे देखते हैं 5 से 5 कट गया, 3 के पाड़े से 4 बार, ये क्या हो गया? 9/16। ये 4 के पाड़े से 2 बार, मतलब क्या हो गया?
10, ये क्या हो गया 3/5, इन सारों का एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 80, 80 में 16 का भाग 5, 5 को 9 से गुणा 45, 80 में 10 का भाग कितना हो जाएगा 8, 8 को 7 से गुणा 56, 80 में 5 का भाग 16, 16 को 3 से गुणा 48, इन तीनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 149 upon 80, इसको मिस्र बिन में चेंज करेंगे 1 सही 59 बट्टे 80, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। 1 सही 59 बट्टे 80 कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 3/10 किसके बराबर है? 0.3 के। इनके प्लस इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो 2.4 और 2.4, इसके पीछे जीरो लगा दिया तो बड़ी कौन सी दिख रही है? ये वाली। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। आपको बोल रहा है इसमें इसका भाग देने पर, क्या बोल रहा है? 2, 9, 9, 4, उसमें भाग देना है 14.5 का, तो कितना आएगा 172x, ठीक है। तो ये बोल रहा है 29.94 में भाग देना है किसका? 1.45 का। इसमें भाग देने पे क्या आंसर आएगा, इसके बारे में पूछना चाह रहे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। यहाँ पे हम डिवाइड करके, जैसे मान लो जो आपका ये जो आप जीरो है, जीरो को ट्रांसपोर्ट करके चेक करेंगे तो आपका 17.2 आ जाएगा। एक व्रत का एक हिस्सा को हम क्या बोलते हैं? चाप। तो चाप हो जाएगा, क्यों? ये व्रत है, व्रत का ये मान लो हिस्सा है, इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे? चाप बोलेंगे। तीन बिंदु है, ये एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, ये तीनों एक ही रेखा पे मिल रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? संरेख। एक बहुभुज है, उसमें भुजाएं, एक भुजाओं की संख्या कितनी दी है? 7 दी है, तो इसको क्या बोलेंगे? सप्तभुज। सप्तभुज कौन सा है? ऑप्शन नंबर फोर्थ। आपको बोल रहा है कौन सा कथन असत्य है? इस इन चित्र दिया हुआ है, चित्र के आधार पर हमें देखना है। ए बी व्यास है, निश्चित रूप से व्यास है, क्योंकि ओ अगर केंद्र है और वो केंद्र से गुजर रही है। एल क्यू एम आपका लघु वृत्तखंड है, एल क्यू एम निश्चित रूप से लघु वृत्तखंड है। एम वृत्त का केंद्र है, एम आपका अंतः बिंदु कह सकते लेकिन केंद्र नहीं बोल सकते। ए डी बी आपका अर्धवृत्त है, डेफिनेटली आपका, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये कह रहे गलत, मैं गलत चुनो, हमें पता है ये आपका क्या है? घन है, घन आपके छह आपके पृष्ठों से बनता है। ये आपका क्या है? आयत। ये आपका क्या है? बेलन है, बेलन आपका एक आयत और दो आपके इनसे बनेगा। हमें पता, ये दिया हुआ शंकु, शंकु में क्या होना चाहिए? त्रिभुज होना चाहिए, और त्रिभुज के नीचे क्या दिखाई देना चाहिए? आपका वृत्त दिखाई देना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया? आपका गलत है, ठीक है। और ये आपका पिरामिड है, पिरामिड में क्या होना चाहिए? एक बेस होगा, वो आपका आयत और वर्ग हो सकता है, उनको एक बिंदु से मिला दिया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट होगा। पिरामिड का आधार होता है, पिरामिड का आधार आपका वृत्त भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। पिरामिड मतलब क्या होता है? एक बिंदु को हम क्या करेंगे? नीचे कुछ पॉइंट्स, बेस पॉइंट्स होंगे, उन सारों को मिलाएंगे, वो आपका इसके अंदर होता है। आयत पिरामिड के अंदर भी होता है, वर्ग पिरामिड के अंदर भी होता है, शंकु में भी होता है। दो कोणों का योग 90 डिग्री है, तो उन कोणों को क्या बोलेंगे हम? पूरक कोण बोलेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए और बी का मान दिया हुआ है कितना? 163 और 170, इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने पे कितना आ जाएगा आपका? 140 डिग्री, और 180 में से 140 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 40 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ये आपके क्लास 6 के मैथ्स का, जो मैथ्स के पेपर का जो सॉल्यूशन है। ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद, फैकल्टी मैथ। हम आज सीएलसी टेक्नो 2024 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर का क्वेश्चन अपना ही है। यदि कमरे को बेड, बेड को खिड़की, खिड़की को फूल और फूल को कूलर कहते हैं, तो आदमी कहां पर सोएगा? या आदमी कहां पर सोता है? बेड पे, और बेड को हम क्या बोलते हैं? खिड़की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? खिड़की। आपका आंसर क्या हो जाएगा? खिड़की, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, यदि 7 अपना, ये क्वेश्चन नंबर 27 कोडिंग डिकोडिंग से, यदि 7 की कूट भाषा 2, 3, 1, 3, 6 और 8 की कूट भाषा 3, 4, 5, 7, 9 है, तो 9 की कूट भाषा क्या होगी? तो ये अपने क्या है, एक कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देखेंगे 9 का क्या है, 9 का कोड है 6, तो यहाँ पे 9 का कोड क्या हो जाएगा? 6। फिर
आई, आई का कोड क्या है, आई का कोड है 4, तो ये क्या हो जाएगा 4, फिर 9, 9 का कोड 6, और ई, ई का कोड क्या है 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6463, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से है। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में केशियो को 3119915 लिखा जाता है तो उसी भाषा में सिटीजन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अपने को अगर नंबरिंग याद है, इनकी पोजीशन याद है, तो हम देखते ही पता लग जाएगा कि ये क्या है, इसमें एक सिंपल नंबरिंग सी क्वेश्चन है, यानी इनका पोजीशन लिखनी है। तो सी की पोजीशन क्या होगी 3, और आई की पोजीशन 9, टी की 20, आई की 9, जेड की 26, ई 5 और एन 14, 3, 9, 20, 9, 26, 5, 14, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से चिन्हों को कौन सा बदलाव समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी अपने को क्या करना है, ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमारे पास में इन चिन्हों को क्या करना है, बदल के देखना है कि अपना कौन सा आंसर आएगा। मतलब हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट से करके देखते हैं कि 2 इंटू की जगह अपने को क्या करना है, डिवाइड 3 प्लस 6 माइनस 12, और डिवाइड की जगह क्या करना है इंटू 4 इक्वल टू 3, जो कि आप यहां पे देख पा रहे हो ये ही क्या हो जाएगा, बड़ी नंबर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो नहीं हो पाएगा। फिर अपन ऑप्शन सेकंड से देखते हैं, ऑप्शन सेकंड में क्या है, प्लस और माइनस, यानी 2 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 12 डिवाइड 4, तो अब इसको हम इक्वल टू 3, तो अब यहां से देखते हैं 4 डिवाइड बाई 12 यानी 3, फिर 2 इंटू 3 6 माइनस 6 प्लस 3, मतलब 0 और 3, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब इंटू, यानी प्लस का क्या है इंटू है, और माइनस का प्लस है, इंटू का डिवाइड है, और डिवाइड का मतलब माइनस है, तो अपने को क्या है ये इक्वेशन सोल्व करनी है। यहाँ पे अपने लिख पाएंगे 75 माइनस को क्या कर रहे हैं प्लस 5, और प्लस को इंटू 25, और डिवाइड को माइनस 125, तो यहाँ पे देखो 5 इंटू 25 125 माइनस 125 75 प्लस, मतलब ये 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 75 योर आंसर। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, लुप्त पद ज्ञात कीजिए, अपने को लुप्त पद है वो ज्ञात करने है इसमें, तो इसमें देखेंगे ये कितने का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, लुप्त पद ज्ञात कीजिए, अपने को इसमें क्या है लुप्त पद ज्ञात करना है, तो लुप्त पद देख रहे हैं हम यहाँ पे अपने पास में क्या रहा है 2, 5, 12, 27, यानी 2 into 2, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, 5 into 2 प्लस 2, 10 इक्वल टू 12, 12 into 2 प्लस 3 इक्वल टू 27, 27 into 2 प्लस 4 इक्वल टू 58, 58 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, यदि ए बी की माँ है, ये अपना ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, यदि ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, यानी सी है वो क्या है ए का पुत्र है, फिर डी ई का भाई है, डी क्या है ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, ई क्या है बी की पुत्री है, फिर डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन है, डी की दादी ए है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी अपना ब्लड रिलेशन से ही है, एक औरत एक आदमी की आदमी का परिचय देती है कि उसकी माता, यानी एक औरत है वो क्या है एक आदमी का परिचय देती है कि उसकी माता, यानी इसकी माता
का भाई का बेटा है, यानी क्या है, उसकी माता के भाई का बेटा है ये, तो इसमें क्या जाएगा, इसमें ये देखो माता का बता रहा है इसमें, तो यहां देखो उसकी माता का भाई है, यानी उसकी माता के भाई का बेटा है, ठीक है, तो उसकी माता के भाई का बेटा है तो उसका क्या हो गया, कजन हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 35 में देखो, नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने काटने खोलने के बाद में वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा, यानी अपने को ये पेपर फोल्डिंग करना होगा, कागज को काटना मोड़ना खोलना होगा, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि ये पहले यहाँ पे ऐसे ऐसे खोलना होगा, ऐसे खोलेंगे और उसके बाद में ये इस साइड में खोलेंगे, मतलब एज इट इज यहाँ पे बनेगी, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। क्वेश्चन नंबर 36 में देखो, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने काटने खोलने के बाद में वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देता है, यहां भी अपने को वो ही बताना है कि इसमें कैसा दिखाई देगा, तो ये देखो ये सेंटर में आ रहा है तो ये ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गया, और ये ऐसे आकृति बन रही है ये भी गलत हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने पास में स्पेस आ रहा है जो कि नहीं आएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। अगला क्वेश्चन, नीचे प्रश्न आकृति के दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने काटने खोलने के बाद में वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देता है, यानी अपने को इस कागज को मोड़ने खोलने करेंगे तो वो कैसा उत्तर दिखाई देगा, मतलब ये यहाँ पे क्या है, ऐसी आकृति यहाँ बनाएगा, ठीक है, तो ऐसी आकृति बनाने पे क्या हो जाएगा इसका, ये यानी ये तो गलत हो जाएगा क्यों, बीच में ये है और ये भी गलत होगा और ये भी इसमें भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, यहां देखो, यहां अपने पास में भी ये दर्पण प्रतिबिंब से आ गया, मतलब दिए गए शब्द या आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे हम, तो यहां पे देखो ये दर्पण इस साइड में लगा, मतलब ये यहां ऐसा आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड और इसमें थर्ड में है, लेकिन देखो फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हो आप ई की पोजीशन है, वो जैसे लिखते हैं वैसे लिखे हुआ, जो कि अपना दर्पण प्रतिबिंब है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, अपने को यहां क्या करना है, त्रिभुज काउंट करने, तो त्रिभुज काउंट करेंगे हम, तो ये देखो सबसे पहले हम अंदर वर्ग से काउंट कर लेते हैं, तो अपने पास में क्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 × 2 = 16 आपके पास में ये बन गए, फिर यहां पे देखो 3 इस सेट में क्या बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, तो ऐसे कितने सेट हैं, 1 2 3 4, तो ये कितने हो गए 16 + 12, ये हो गए, फिर हम देख रहे हैं यहां पे एक्स्ट्रा अतिरिक्त त्रिभुज अपने पास में ये बन रहे हैं 1 और 2, तो 2 ये हो गए, 2 ये 2 ये 2 ये, यानी 2 × 4, ये कितने हो गए अपने पास में 8, तो ये टोटल कितने त्रिभुज हो गए आपके पास में 36 हो गए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40, दिए गए चित्र को मोड़ने निम्न में से कौन सा घन बनाया जा सकता है, ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, आपके पास में ये ओपन है तो इसको अपन इसको क्लोज डाइस बनाएंगे, तो ये देखो यहां क्या है, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट हो जाएगा बी, और एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ का अपोजिट हो जाएगा सी, और ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट हो जाएगा डी, ठीक है, आपके पास में अपोजिट आ गए, और अपने को पता है कि हम जब क्लोज डाइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, अपोजिट्स एक साथ नहीं आने चाहिए अपने पास में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखो ई और बी, जो कि ये गलत है, फिर यहां ऑप्शन नंबर थर्ड में ई और बी, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड में एफ और डी, ई एफ और डी, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, यहां पे डी और ए है जो कि ये गलत हो जाएगा। ओके, धन्यवाद दोस्त। वेलकम स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमावत, सीएलसी फिजिक्स फैकल्टी, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं टेक्नो 2024 का फिजिक्स पार्ट में, क्वेश्चन नंबर है 41।
किसी व्यक्ति द्वारा एक पैर में तय की गई लंबाई कहलाती है। तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है, एक कदम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बिल्कुल सिंपल पेपर है। एक दोलन गति हमेशा होती है, दोलन गति का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन। तो एक पॉइंट के इधर उधर जाएगी, वो एक पीरियोडिक मोशन होता है, आवर्त गति होती है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का अपने स्कूल तक 30 मिनट में पहुंचता है जो घर से 3 किलोमीटर दूर है। यानी एक बच्चा अपने घर से स्कूल तक जा रहा है और कितने किलोमीटर है, 3 किलोमीटर वो जाता है। कितने टाइम में जाता है, यहाँ से इधर जाने का टाइम इसने दिया है 30 मिनट्स। साथ में उसने कहा है कि पहुंचने पर पता चला कि स्कूल बंद है, वह एक घंटे में वापस आ जाता है। आते समय उसको टाइम ज़्यादा लगता है, कितनी दूर आया है, फिर से 3 किलोमीटर आया है, समय कितना लगा है, 1 आवर लगा है। तो अपने पास इसने पूछा है कि जो उसकी औसत चाल है, तो औसत चाल में आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी हो गई है, ये वी एवरेज जो अपनी आएगी, टोटल डिस्टेंस हो गई 3 किलोमीटर जाते हुए, 3 किलोमीटर आते हुए, अपॉन टाइम लगा है 1 आवर एक तरफ, दूसरी तरफ हाफ एन आवर 0.5 आवर्स। तो आ जाएगा 6/1.5, ये कितना आ जाएगा अपने पास, 4 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, थर्ड वन। नेक्स्ट है, वस्तु जिसका अपना प्रकाश नहीं है, प्रकाश जो खुद यहाँ से प्रकाश नहीं निकल रहा है जिस ऑब्जेक्ट से। पहला चमकता दर्पण, दर्पण जो फ्लैश करता है वो रिफ्लेक्शन से करता है, कोई और प्रकाश उस पर आकर के गिरता है, तो इसका मतलब इससे प्रकाश खुद का नहीं निकलता है। प्रकाश बल्ब है, बल्ब से निकल रहा है, तारे हैं वहाँ से प्रकाश आता है, मोमबत्ती है वहाँ से प्रकाश आता है। तो अपना जो ऑप्शन है जिससे नहीं प्रकाश निकल रहा है कौन सा आएगा, चमकता दर्पण। नेक्स्ट आ जाएगा, यदि आपतन कोण 40 डिग्री है तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण होगा। आपतन कोण किस किस के बीच होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच होता है। आपतित कोण जो कोण है वो कितना दे रखा है, आपतन कोण अपना 40 डिग्री, तो इधर वाला भी कितना होगा 40 डिग्री। टोटल कितना हो गया, ये आपतित किरण ये परावर्तित किरण, दोनों के बीच का एंगल दोनों ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। ये अपना आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट है, प्रच्छाया और उपछाया स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जब, ये आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए। प्रच्छाया जो है वो डार्क रीजन होता है, डार्क छाया होती है, उसके चारों तरफ जो हल्का रीजन बनता है वो होता है उपछाया। और जो डार्क रीजन है ये कब ज़्यादा अलग अलग दोनों स्पष्ट अलग अलग कब दिखेंगे, जब ऑब्जेक्ट क्या हो मतलब जो लाइट सोर्स है वो छोटा हो, और जो सामने जो जिसके कारण जो बन रही है छाया वो ऑब्जेक्ट क्या हो, बड़ा हो, तो उस कंडीशन में ये हमें मिलता है। तो ये ऑप्शन अपने पास आ जाएगा कौन सा, प्रकाश स्रोत छोटा हो और अवरोधक वस्तु क्या हो, बड़ी हो। नेक्स्ट आ जाएगा, वह बल जो संपर्क सतहों की सापेक्ष गति का, देखो सबसे जो सिंपल सी डेफिनेशन हम फ्रिक्शन की देते हैं वो यही होती है कि जो सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो अपने पास कौन सा आ जाएगा, घर्षण बल, घर्षण बल विरोध करता है सापेक्ष गति का। मांसपेशीय बल को बल भी कहते हैं, कौन सा बल है जिसको कहा जाता है, मांसपेशीय गुरुत्वाकर्षण नहीं है, चुंबकीय नहीं है, असंपर्क हवा में नहीं लगता है, दूर से नहीं लगेगा, कॉन्टेक्ट में आने पर लगेगा, कौन सा होगा, संपर्क बल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ जाएगा, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ये क्वेश्चन तो हमें लगता है कि बुध ग्रह बिल्कुल पास में होता है तो ये ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन अपना आंसर होगा कौन सा, शुक्र। इस पर वायुमंडल पाया जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, CO2 यहाँ मिलती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। नेक्स्ट आ जाएगा, आकाशगंगा का आकार किस प्रकार का है, तो अपना कौन सा आ जाएगा, कुंडलीदार ही अपनी आकाशगंगा होती है। ऑल द बेस्ट, अच्छा हुआ होगा आपका पेपर, मैं कामना करता हूँ, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, अब आज हम बेटा टेक्नो 24 क्लास 6 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, हिंदी मीडियम केमिस्ट्री वाला पोर्शन हम अब कवर करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 51 जो हमको गिवन है बेटा, वो हमारी बोर्ड पे स्क्रीन पे ध्यान से देखें। निश्चंदन विधि किन घटकों को अलग करने में काम आती है, निश्चंदन यानी कि फिल्ट्रेशन की बात कर रहा है, फिल्टर हम किसको कर सकते हैं, तो बेटा हम विलेय और अविलेय किसी भी मिश्रण के जो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल पार्ट होते हैं उनको हम इजीली फिल्ट्रेशन टेक्निक से काम ले सकते हैं। जैसे आपने देखा वो चाय छानते हैं हम लोग, अब चाय के अंदर बेसिकली दो मटेरियल होते हैं, एक फिल्ट्रेट और एक नॉन फिल्ट्रेट, मतलब एक छानने योग्य पदार्थ एक छानने नहीं योग्य पदार्थ, तो छन्नी की हेल्प से करते हैं कि नहीं करते, दैट इज फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट, टिंक्चर आयोडीन से आयोडीन को प्राप्त करने की विधि, बेटा टिंक्चर आयोडीन होता क्या है, तो बोलेंगे सब आयोडीन का एल्कोहल में सॉल्यूशन, आयोडीन का एल्कोहल में जो विलयन होता है उस विलयन को कहा जाता है टिंक्चर आयोडीन,
ठीक है, और अल्कोहल और आयोडीन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और जब इनके बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इस वजह से जो टेक्निक काम आती है वो कौन सी आएगी बेटा आपके, आसवन। डंठल से अनाज के दानों को अलग करने की विधि, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन, द आंसर इज थ्रशिंग, थ्रशिंग नहीं थ्रेसिंग बोलेंगे। जल वाष्प के तरल में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बोल रहा है जल वाष्प H2O का गैस फॉर्म और उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, H2O लिक्विड फॉर्म में, तो उस टेक्निक को क्या बोलेंगे, तो टेक्निक है बेटा वो संघनन। वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से आंशिक रूप से, आंशिक रूप बोल दिया तो बेटा उसको बोलेंगे हम लोग पारभासी, पारदर्शी जो पूरी तरह से अपने आप से गुजरने दे, अपारदर्शी जो बिल्कुल ना गुजरने दे, तो बेटा आंसर क्या बनेगा अपना, पारभासी। जो पानी में पूरी तरह से घुलनशील है, सिंपल क्वेश्चन, ग्लूकोज चौक का चूर्ण घुलनशील नहीं है, चाय पत्ती घुलनशील नहीं है, धूल के कण घुलनशील नहीं है, तो आंसर क्या बेटा अपना, ग्लूकोज। प्रत्येक वस्तु अंतरिक्ष में एक स्थान घेरती है, उस चीज को बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम यानी कि आयतन। अवसादन या तलछट केवल अघुलनशील कणों को अलग कर सकता है, किसमें से, केवल तरल में से। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, बिल्कुल सही बात है, वापस से रिवर्स चेंज कर सकते हो। केमिकल चेंज अनुत्क्रमणीय होते हैं, बात तो सही है लेकिन हमेशा सही नहीं है, ध्यान रखना। रासायनिक परिवर्तन ऐसा नहीं है कि हमेशा अनुत्क्रमणीय होंगे, कुछ कंडीशंस हैं केमिकल रिएक्शंस की जिनमें वो उत्क्रमण भी हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। किसे सरलता से संपीड़ित, संपीड़ित का मतलब जिसको इजीली प्रेस किया जा सके, जिसमें दबाव लगाया जा सके। क्या आप लकड़ी के उठकर को हाथ से दबा सकते हो, ना। दूसरे भरे ग्लास को, ना। हवा से भरे गुब्बारे को, इजीली। हवा से भरा गुब्बारा इजीली कंप्रेस किया जा सकता है, और यदि इजीली कंप्रेस किया जा सकता है तो बेटा इसमें आंसर बनेगा कि हाँ, इसे हम सरलता से संपीड़ित कर सकते हैं। तो बेटा ये था हमारा 6th क्लास का हिंदी मीडियम टेक्नो 24 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपके सभी क्वेश्चन सही हुए होंगे। थैंक यू, जय सी एल सी। हाँ जी नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध शर्मा, CLC सीकर, टीम बायोलॉजी। आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं CLC टेक्नो 24 का बायोलॉजी का 6th क्लास का सॉल्यूशन करेंगे। जब तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 61 है उसमें देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन अंकुरित अनाज में मौजूद होता है, तो इसके लिए जो डायरेक्टली आंसर जो अपने आएगा वो होगा विटामिन सी। कौन सा होगा, विटामिन सी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, थर्ड इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। नेक्स्ट में निम्नलिखित में कौन सा जानवर केवल तरल भोजन, तरल का मतलब होता है बेटा लिक्विड, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, लिक्विड फूड की बात कर रहे हैं। तो लिक्विड फूड के लिए ना ही तो जो लिजार्ड है छिपकली वो लिक्विड फूड यूज में लेती है, ना ही गिद्ध वल्चर्स होते हैं वो लेते हैं, ना ही गिलहरी स्क्वायरल्स होते हैं वो लेते हैं। लास्ट ऑप्शन कौन सा, तितली बचा, तितली मतलब बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई जो होती है लिक्विड फूड को एज ए फूड यूज में लेती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट, गलत जोड़ी का चयन की, अपने पास में यहाँ पर तीन न्यूट्रिशन, फोर टाइप के न्यूट्रिशन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, न्यूट्रिशन दे रखे हैं, इसमें अपन को गलत जोड़े उसको बताना है। तो पहला क्या है, फाइबर उचित मल त्याग है। सेकंड कौन सा, विटामिन बीमारियों के बचाव है। थर्ड कौन सा, प्रोटीन कब्ज से बचाव है। चौथा कौन सा, खनिज हड्डियों को स्वस्थ रखता है। तो इसके अंदर ये बात भी सही है, सेकंड पॉइंट भी सही है और फोर्थ पॉइंट भी सही है। तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा अपना, थर्ड, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो अपनी हड्डियों को मजबूत रखता है, अपनी हड्डियों को मजबूत रखने में अपनी मदद करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट है, मैरास्मस अपर्याप्त आहार के कारण होता है। अपर्याप्त आहार का मतलब बैलेंस डाइट, जब अपन अपनी पूरी अपनी जो बॉडी है जब प्रॉपर वे से बैलेंस डाइट नहीं ले पाती है, पर्याप्त भोजन नहीं ले पाती है, तो उससे होने वाली जो बीमारियां किस वजह से हो पाती हैं, कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन है जिसकी वजह से अपनी बॉडी क्या कर पाती है, इस बीमारी से ग्रसित हो जाती है, उसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, वो होगा प्रोटीन। प्रोटीन से होने वाली डिजीज़ कौन सी होती है, मैरास्मस और क्वाशियोर्कर, ये दो टाइप की डिजीज़ होती हैं जो कि क्या करती हैं, इस किसकी वजह से, प्रोटीन की कमी से होती हैं। नेक्स्ट, अब देखते हैं सही जोड़े का चयन करना है इसमें, किसका, सही जोड़े का। अपने पास में पोषक तत्व दे रखे हैं, अपने पास में स्रोत दे रखे हैं, और अपने पास में कमी से बीमारी, न्यूट्रिशन सोर्स और इनसे होने वाले डिफिशिएंसी डिजीज का नाम दे रखा है। तो अपन पहला देखते हैं, सही जोड़ा बताना है इसमें, सही जोड़ा, इसमें जो सही होगा उसको अपन टिक कर देंगे। तो विटामिन सी, विटामिन सी के अंदर इसका स्रोत दिखा दे रखा है समुद्री भोजन, उसके अंदर बेरी बेरी डिजीज दे रखे, तो ये गलत है यहाँ पे। दूसरा कौन सा दे रखा, कैल्शियम, कैल्शियम
कैल्शियम इसके स्रोत दे रखा दूध और इससे कम होने वाली जो बीमारी है उसको क्या दे रखा कमजोर हड्डियाँ। तीसरा दे रखा प्रोटीन, प्रोटीन स्रोत क्या है इसका आलू दे रखा है और बीमारी कौन सी दे रखी है यहाँ पे क्वाशियोरकर दे रखी है। तो चौथा कौन सा है लोह तत्व है और इसमें जो सोर्स दे रखा है वो कहना सेव दे रखा है और बीमारी कौन सी दे रही है गलकंड दे रखी है। तो आपका ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो गया, ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो गया और ये विटामिन सी वाला भी यहाँ पर गलत हो गया। जो इसका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा कैल्शियम। कैल्शियम किससे मिलेगा दूध से मिलेगा और अपनी बॉडी के अंदर जो कमजोर हड्डियां होती हैं अपनी बॉडी के जो अंदर बोन्स थे उनको मजबूत करने में क्या करता है ये हेल्प करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रूपांतरित जड़ के रूप में खाते हैं, किसके रूप में रूपांतरित जड़, जड़ के रूप में मॉडिफाइड, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इनको क्या मॉडिफाइड रूट्स। चलो देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन में पहला कौन सा है कसावा, सेकंड कौन सा है शकरकंद। ये कसावा इसको इंग्लिश में भी कसावा ही बोलते हैं, शकरकंद को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट पोटैटो और आलू को अपन बोलते हैं पोटैटो। तो देखो कसावा किसका रूपांतर हुआ जड़ का है और शकरकंद जो है वो भी किसका होता है जड़ का ही है रूट्स का ही होता है, लेकिन जो आलू है आलू किसका रूपांतरित रूप होगा वो होता है स्टेम का, किसका होगा स्टेम का। अपन को पूछा गया, अपन को पूछा कि रूपांतरित जड़ के रूप में अपन क्या खाते हैं, तो रूपांतरित जड़ के रूप में हम कसावा और स्वीट पोटैटो दोनों को खाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट पत्ती का समतल हरा भाग क्या कहलाता है, अपने पास में चार ऑप्शन दे रखे, पहला कौन सा है पर्णव्रंथ है, दूसरा कौन सा है लेमिना है, तीसरा कौन सा है सीरा है, चौथा कौन सा है मध्य सीरा है। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो निकलेगा क्या लेमिना। लेमिना को ऊपर क्या बोलते हैं पत्ती का समतल हरा भाग, हम क्या किसको बोलेंगे लेमिना को बोलेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में फलों के किस समूह में अपूर्ण पुष्प, अपूर्ण पुष्प का मतलब हो गया अपूर्ण पुष्प किसके अंदर मिलेगा, तो अपने पास में चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में पहले क्या हिबिस्कस व पेट्यूनिया, गुलमोहर व सरसों, मटर तथा शहतूत और चौथा कौन सा है खजूर तथा शहतूत। तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो कौन सा होगा खजूर तथा सहतूत निकल के आएगा। तो इसका ऑप्शन आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट कौन से जानवर को आप मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र को अपन बोलते हैं इकोसिस्टम, किस क्या बोलेंगे इकोसिस्टम, क्या बोल देंगे इकोसिस्टम बोल देंगे, वहां पर मिलेगा कहां पर मिलेगा मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र के अंदर मिलेगा। तो पहला कौन सा है वेल, ये एक समुद्री जीव है, क्या है समुद्री जीव और समुद्र का जब पानी होता है वो कैसा होता है खारा पानी होता है। दूसरा कौन सा शार्क, शार्क भी समुद्री जीव है, ये भी कहाँ पर रहेगी ये भी खारे पानी की खारे पानी समुद्र के अंदर रहेगी। चौथा कौन सा है चौथा चील, ये टेरेस्ट्रियल है ये उड़ने वाले पक्षियों के अंदर आते हैं चील। चौथा कौन सा बचा मेंढक बचा, तो अपना जो सही आंसर निकल के आएगा वो कौन सा हो जाएगा मेंढक। मेंढक को अपन क्या बोलते हैं उभयचर बोलते हैं, जो कि पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं इसलिए उनको क्या बोलते हैं उभयचर बोलते हैं। तो अपना आंसर जो निकल के आएगा वो कौन सा हो गया मेंढक हो गया। नेक्स्ट क्या होगा जब खाद्य श्रृंखला का एक भाग टूट जाएगा, खाद्य श्रृंखला इसको अपन बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला को अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्या फूड चेन बोलते हैं, क्या बोलेंगे फूड चेन बोलेंगे। अब देखो फूड चेन के अंदर अपन डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को काम में लेते हैं, डिफरेंट टाइप के जो जीवित जंतु हैं उनको काम में लेते हैं, जैसे कि अपन ले रहे हैं ए, दूसरा अपन लेते हैं बी, फिर लेते हैं बेटा सी, उसके बाद में डी। ये पौधे हैं ये एनिमल्स हैं। पौधे जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर बोलते हैं या फिर उनको हिंदी में क्या बोलते हैं उत्पादक बोलते हैं, क्या बोलेंगे उत्पादक। उसके बाद में ये सारे के सारे क्या हो गए उपभोक्ता हो गए और लास्ट में जो आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको अपन क्या बोलते हैं जैव अपघटक बोलते हैं, क्या बोलेंगे जैव अपघटक। अब देखो अगर मान लो ये जो पौधा है क्या है ये जो पौधे हैं इस पौधे को एक इस पौधे को अपन क्या करना है अगर मान लो ए क्या है ए यहां पर पौधा है। अब ए ये क्या ये प्रोड्यूस कर रहा है क्या करेगा ये क्या है ये प्रोड्यूस कर रहा है उत्पादक है ये। और अगर मान लो ये जो बी है ये कोई कीड़ा है या फिर कोई इंसेक्ट मान लो या फिर इसको अपन ग्रास ओवर मान लेते हैं है ना, अगर ये मान लो खत्म हो गए तो उसका जो इफेक्ट है वो प्लांट्स के ऊपर भी आएगा
और उसके अगली कड़ी के अंदर जो भी जीव है उस कड़ी उस पे भी आएगा। तो अपन मान के चलते हैं कि जितने भी जीव हैं, एक जीव के खत्म हो जाने से सारे के सारे जीवों पर क्या होगा, इसका फर्क पड़ेगा। इसका फर्क पड़ेगा मतलब ए पर भी फर्क पड़ रहा है, बी पर भी पड़ेगा और तीसरा डी पर भी रहा था। तो मतलब ये कि जितनी भी फूड चेन खाद्य श्रृंखला के अंदर जितने भी जीव हैं सभी जीवों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, सभी जीव प्रभावित होंगे। क्या होंगे, सभी जीव प्रभावित होंगे, सारे के सारे जीव यहां पर क्या हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक एक जीव के मर खत्म हो जाने की वजह से सारी की सारी श्रृंखला पर क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट गिरता है। ओके, थैंक यू।